सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2021-22 अपडेट की। इसमें एक ओपन राउंड होता है। अब ओपन राउंड में कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्या कोई मेरिट लिस्ट जो होगी, कौन सी मेरिट लिस्ट के अनुसार करेंगे, तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है, लगातार कमेंट कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो की आवश्यकता पड़ी है। तो आइए देखते हैं और एक हम स्टेप बाय स्टेप समझाने की आपको कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। स्टार्टिंग से समझते हैं। आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद एक लिस्ट आई। उस लिस्ट में आप देखेंगे यहाँ ये लिस्ट जो आई थी वो 4/1/2022 को आई थी। आपका एग्ज़ाम जो इन्होंने बताया कि 28 दिसंबर को कराया गया था, तो ये एक लिस्ट आई। इस लिस्ट में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये लिस्ट थी। इस लिस्ट में जो लोग शामिल थे, जो ये लिस्ट आई थी, इस लिस्ट में जो लोग शामिल हैं वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे ओपन राउंड में। यानी जो ये लिस्ट है, इसी लिस्ट के लोग ओपन राउंड में जो है प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा कोई भी सूची आने वाली नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा कि ओपन राउंड में करेगा कौन, क्योंकि ओपन राउंड के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन होंगे। देखिए यहाँ पर जो है कैंडिडेट टोटल जो सिलेक्टेड है रैंक तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7957 तक हैं। और यहाँ जो कट ऑफ दिया गया था, आप यहाँ एक कट ऑफ पहली लिस्ट की हम बात कर रहे हैं जो आई थी 4 तारीख को, उसमें ये लोग बुलाए गए थे, इतने लोग। तो इतने लोगों से ही कहा गया कि आप पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करिए। अब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, तो जिन लोगों से रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया, काउंसलिंग में पहले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया, उन लोगों का जो रिज़ल्ट आया वो 5 फरवरी 2022 को आया। यानी एक मेरिट सूची आई जो है 4 तारीख को, बीच में भी एक आई, उसे नहीं मानिए, उसका कोई मतलब नहीं होता। फिर एक फाइनल फर्स्ट राउंड की आई 5 फरवरी को आई। इस 5 फरवरी में सेलेक्टेड लोग हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके आगे NR और NP लिखा हुआ, इन्होंने च्वाइस फिलिंग ही नहीं की, तो इन्हें लगभग बाहर कर दिया गया, तो इनकी वैकेंट सीट हो जाएगी। लेकिन इसमें कंडीशन ये दे दी गई कि एलिजिबल वही लोग होंगे सेकंड राउंड में, यानी जो राउंड आपका जो राउंड टू होगा उसमें राउंड वन वाले ही सेलेक्ट होंगे। यानी राउंड वन वाले ही लोग राउंड टू में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा नया कैंडिडेट कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। भले ही उस सूची में शामिल था, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लेकिन वो शामिल नहीं हो सकता। क्लियर कट हो गया होगा। अब जब राउंड टू हो जाएगा, 16 तारीख के बाद शुरू होगा, ये देख लीजिए यहाँ पर जो नीचे मेंशन किया गया उसमें बताया गया कि NR और इसके नॉट पार्टिसिपेट, डिड नॉट रजिस्टर, डिड नॉट फिल एनी चॉइस, तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई। इतनी इतनी कैटेगरी रैंक वाले लोग सेलेक्ट हो गए, यानी 669 तक, अनरिजर्व 1378 तक, EWS 1010 तक, OBC, SC, ST ये लोग सेलेक्ट हो गए। ये पहले राउंड में शामिल हैं, इनको सीट मिल गई है। अब इसमें से ही जो लोग बच गए थे इस लिस्ट में से, वही लोग राउंड टू में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद होगा ओपन राउंड। देखिए यहाँ पर जो है ओपन राउंड होगा। पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, देखिए द कैंडिडेट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड वन अब द सीट एलोकेशन नॉट एलिजिबल फॉर द राउंड टू, यानी जो पहले राउंड में पार्टिसिपेट जिसने नहीं किया उसे दूसरे राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो लोग पहली लिस्ट में शामिल थे, फॉर द ओपन राउंड द ऑर्डर ऑफ सीट एलोकेशन विल बी बेस्ड ऑन द ओरिजिनल मेरिट लिस्ट, जो हमने 4 जनवरी वाली अभी आपको दिखाई, यानी 4 जनवरी 2022 वाली मेरिट लिस्ट दिखाई, उसमें जो लोग शामिल थे वो ओपन राउंड में शामिल हो जाएंगे। यानी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ 11 फरवरी तक बाकी एक्सरसाइज होनी है, फिर उसके बाद सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद जो वैकेंट सीट्स होंगी उनको डिक्लेयर किया जाएगा। कम से कम आप मान के चलिए अभी टोटल काम करने में आपका जो टाइम लगेगा वो टाइम टेकिंग करीब फरवरी के एंड तक आप चले जाएंगे, तो फरवरी के एंड तक चले जाएंगे, तो इसलिए
आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही डाटा आएगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल सेकंड राउंड होगा, उसके बाद आपका ओपन राउंड होगा और उसमें भी करीब 10 से 15 दिन का वक्त चाहिए होगा राउंड फर्स्ट के लिए। तो आज आप सभी लोग जानते हैं 8 फरवरी है, 8 फरवरी के बाद आप फर्स्ट राउंड खत्म होगा, उसकी वैकेंट सीट्स आएंगी, फिर काउंसलिंग होगी फर्स्ट राउंड टू के लिए, फिर वैकेंट सीट्स आएंगी, तब उस पर सभी लोग जो 4 तारीख की मेरिट लिस्ट में थे उन सभी लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा। फिर से रजिस्ट्रेशन करके आप आके प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। तो क्लियर कट समझ गए होंगे उम्मीद है, अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।